अच्छा बताओ, क्या कह रहे थे, कौन सा क्वेश्चन? ये 13 क्वेश्चन मतलब क्या इसमें क्या करना है, मैं समझ नहीं पेज पाया। नंबर बोलना बेटे, इधर पेज नंबर है 42। अच्छा 13th क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, ये तो मैंने समझा रखी तुम्हें बात, क्या कह रहा है, सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 2.1 है ना, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, देन हमें ये बताना है कि y की क्या वैल्यूज पॉसिबल है। तो साइन इनवर्स x जो है वो आंसर तुम्हें दे रहा है y, तो जब तुम साइन इनवर्स x लगाओगे, मतलब कि जब इनवर्स फंक्शन पढ़ते हैं तो साइन इनवर्स x का आंसर जो है वो किस इंटरवल में होना चाहिए, क्या बताया था मैंने, साइन इनवर्स x, जैसे साइन इनवर्स हम हाफ लिखते हैं या साइन इनवर्स माइनस हाफ करते हैं, तो हमारा आंसर किस इंटरवल में होना चाहिए। -90 to 90। हाँ, तो फिर यही तो वो पूछ रहा है, तो वाई कहाँ बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग्स टू -90 to 90, प्रिंसिपल ब्रांच ही तो पूछ रहा है एक तरह से, उसने वर्ड प्रिंसिपल ब्रांच नहीं लिखा। इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई कहाँ से कहाँ होगा, -90 to 90, तो ये ए बी सी डी चार ऑप्शंस दे रखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ये बी वाला, बी वाला, ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन है बस। और ये 2.2 के क्वेश्चन कैसे होंगे? ये फर्स्ट क्वेश्चन एक ही अच्छा, अगर क्वेश्चन। मान लो ये होता कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई कहाँ बिलोंग करता, अच्छा मतलब इसी में ही, इसी तरीके से ब्रांच है उसका, वो हाँ हाँ 0 बाय पाए। तो देन वाई बिलोंग्स टू 0 पाई, है ना, ठीक है, समझ में आ गया। और ये वाला क्वेश्चन कैसे होंगे, मतलब ये जो 2.2 के जो ये क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन, टू मतलब पॉइंट टू एक्सरसाइज 2.2, हाँ, इसका क्वेश्चन, हाँ, सेकंड क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन में, मतलब अच्छा कैसे अच्छा ठीक करवाना है है ठीक, बट बता दो। तो ये इस सब के लिए एक्सरसाइज 2.2 ऑनवर्ड जो है, इसमें तुम्हें कुछ और फॉर्मूलाज की भी जरूरत है। अगर तुम याद करो तो तुमने ट्रिग्नोमेट्री में sin 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था sin 3 थीटा का, साइन लास्ट ईयर 11th में क्या होता है sin 3 थीटा, हाँ एक साइन थ्री थीटा होता है, साइन थीटा माइनस साइन यू थीटा। मैं लिख देती हूँ और तुम ये फॉर्मूलाज लर्न कर लेना, फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, ठीक है। 3 sin थीटा -4 sin3 थीटा, ये तुम्हें लर्न करना है, ठीक है। 3 sin थीटा -4 sin3 थीटा, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये सब इनके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos3 थीटा -3 cos थीटा, ठीक है। और फिर tan 3, और ये सिर्फ यहाँ नहीं यूज होंगे, ये आगे कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज होनी है सारी चीजें, तो जो मैं फॉर्मूलाज लिख के दे रही हूँ ये तुम्हें नेक्स्ट क्लास तक याद होने चाहिए। tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan3 थीटा -3 tan थीटा -4 tan3 थीटा अपॉन 1 minus 3 tan square, ठीक है। 3 tan थीटा -tan3 थीटा
3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. ये इसको लर्न करना है तीनों फॉर्मूला से, ठीक है? इसके बाद जो फॉर्मूला तुम्हें कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज होगा, दैट इज, ये तो होते ही है बेसिक फॉर्मूला, साइन 2 थीटा, ये तो तुम्हें पता ही है किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा, 2 साइन, टू साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ ठीक है. ऐसे ही कॉस 2 थीटा इक्वल टू, ये सारे फॉर्मूला सीधा नेक्स्ट क्लास तक तुम्हें याद होने चाहिए, मैं वीडियो ऑन करा के सुनूंगी. कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है. अब ये जो कॉस 2 थीटा है, इसमें अगर मैं, ये तुम्हें पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1. हाँ, तो ये यहाँ पर अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1, नहीं साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा, इस इक्वेशन से, ऊपर वाली इक्वेशन से, यहाँ से, हाँ वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो अगर यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 हो जाएगा ये भी, 1 कैसे हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना. हाँ, तो अगर हम साइन की जगह पुट के माइनस की, तो बाहर माइनस है अंदर प्लस हो जाए 1, अच्छा ओके ओके, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है. तो ये एक फॉर्मूला हो गया, अच्छा ये, अच्छा एक ही कर दूँ, ये एक फॉर्मूला बन गया, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक ये फॉर्मूला हो गया sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है. और एक ये फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये सब अलग अलग फॉर्मूला है, मतलब ये सारे फॉर्मेट हमें याद करने हैं. cos 2 थीटा इक्वल टू, एक और बनेगा अगर हम यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो अगर हमें cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इन टर्म्स ऑफ cos लिखना होता है तो ऊपर वाला यूज करते हैं, और अदरवाइज ये यूज करते हैं. तो ये फॉर्मूलाज तुम्हें याद करने हैं अलॉन्ग विद दिस, ठीक है. हाँ. तो ये तो मतलब बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो तुम्हें आने ही चाहिए, आने ही चाहिए. फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है, वो भी इन्हीं फॉर्मूला से ही डिराइव होता है, कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा, नहीं से याद करो, वो तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, ठीक है. और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है. ये जो फॉर्मूला है ये भी ऊपर वाले से ही डिराइव हो रहा है, जैसे ये हमने लिखा ना cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है. तो अगर इधर 2 थीटा है तो इधर हाफ हो गया cos स्क्वायर थीटा, 2 थीटा की जगह थीटा आ गया. तो इसी फॉर्मूला से हम ये लिख सकते हैं
अगर मैं टू थीटा की जगह मान लो कॉस ऑफ एक्स लिखूं, मतलब टू थीटा की जगह मैंने क्या ले लिया एक्स, तो ये जो फॉर्मूला लिखा है ऊपर मैंने, ये क्या बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, अगर टू थीटा एक्स है तो थीटा क्या हो गया, अगर टू थीटा की जगह एक्स पुट किया तो थीटा क्या हो गया एक्स, नहीं मतलब टू थीटा अगर एक्स है तो थीटा किसके इक्वल होता है, सिंपल एलजेब्रा है ना बेटे, टू थीटा अगर एक्स है। हाँ कहाँ पे कुछ एक मैंने सुना नहीं वो वाला, अगर टू थीटा एक्स है हाँ टू थीटा एक्स है ये वाला, किसके इक्वल होगा, अच्छा थीटा x डिवाइडेड बाय 2, x डिवाइडेड बाय 2 ठीक है ना, तो टू थीटा इक्वल टू x, तो थीटा जो है x डिवाइडेड बाय 2 हो जाए ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा माइनस 1, तो अगर हम इसको कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2, तो यही जो फॉर्मूला है ये मैंने ये देखी बात है ना, तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये तुम किस फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में याद करो या एक्स की फॉर्म में याद करो, बात बराबर है, पर इसके बिना 12th क्लास का मैथ्स नहीं होता, तो ये जो चीज है ये तुमको याद रखनी है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और कॉस 2 थीटा जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी, तो ये फॉर्मूलाज दोनों को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा, ठीक है समझ आ गई, इसको हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज तुम पहले याद कर लो, एक टैन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, ये सारे आगे हमें जरूरत पड़ेगी कैलकुलस में, तो अभी से याद कर लो ताकि यहाँ पे भी प्रॉब्लम ना हो और आगे भी ना हो। टैन टू थीटा इज टू टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा, अभी भी मैंने तुम्हें सिर्फ बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज दिए हैं ठीक है, तो ये लर्न हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास तक, ज्यादा नहीं है कर लोगे ना इनको याद। अच्छा और बताओ, और तुम ये फॉर्मूलाज याद करो, फिर ये क्वेश्चंस मैं तुम्हें कराऊंगी ठीक है, कैसे होंगे ये क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं तुम्हें आइडिया दे देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है प्रूव दैट थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x। तो अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये जो है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करना, तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, तो अब यहाँ पर हम x को क्या पुट करें, हमें ऐसे सोचना पड़ता है कि x को क्या पुट कर रहे हैं, कि ये पूरा का पूरा जो अंदर है वो कुछ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कुछ थीटा बन जाए, साइन ऑफ सम एंगल बन जाए, तो अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बन जाएगा तो हमारा आंसर फिर थीटा हो जाएगा, तो हमें इसको कुछ ऐसी चीज पुट करनी है जिससे कि ये साइन का फंक्शन बन जाए, तो अब जिस बच्चे को फॉर्मूला ये वाला याद है ऊपर कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा जो है साइन 3 थीटा होता है, तो अगर जब ये तुम्हारे माइंड में ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो तुम्हारे दिमाग में आएगा अगर मैं x को साइन थीटा पुट कर दूं तो ये अंदर जो है साइन का फंक्शन बन जाएगा, तो जब हम x को साइन थीटा पुट करेंगे तो ये साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इज साइन 3 थीटा, तो हमने इसको साइन का फंक्शन बना लिया,
तो जैसे ही हम इसको साइन का फंक्शन बनाते हैं, हमारा आंसर जो है, जब साइन इनवर्स और साइन साथ साथ होते हैं तो आपस में एक तरह से कट जाते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3। अब अगर हमारा साइन थीटा जो है वो एक्स के इक्वल है, तो थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा एक्स बाय साइन, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स बाय साइन थोड़ी होता है, साइन इनवर्स, कोई मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है साइन और थीटा, फंक्शन है ये। तो बताया था ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, है ना, फंक्शन में तो ऐसे ही होता है ना, ये इनवर्स फंक्शन जो पढ़े थे, एफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर एक्स वाई पर मैप हो रहा है तो एक्स जो है वो एफ इनवर्स वाई के इक्वल होगा। थीटा जो है ये साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा नहीं है, ये साइन ऑफ थीटा, ऐसे साइन ऑफ थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, तो थीटा जो है ये यहाँ पर क्या आ गया, 3 times साइन इनवर्स ऑफ, समझ में आई बात। इसी तरह से तुम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर पाओ, और जो नीचे क्वेश्चन है, फिफ्थ है, सिक्स है, ये सारे क्वेश्चन जो है जो ऊपर मैंने फॉर्मूला दिए हैं वो सारे तुमने याद करने हैं। इन फॉर्मूलाज में तुमने 10th में एक ये भी फॉर्मूला पढ़ा था, 1 plus tan square theta, ये किसके इक्वल होता है, 1 plus tan square theta याद है, 10th में पढ़ा था, sec square theta, तो ये भी बहुत यूज होता है हमारा, और 1 plus cot square theta याद है किसके इक्वल होता है, डीसी का भाई होता है, cosec square theta, तो ये भी याद करना, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज तुमने याद करने हैं, इन फॉर्मूलाज के ऊपर ही बेस्ड हैं आगे के क्वेश्चन, 5th, 6th, 7th, 9th, 10th, तो ये सारे मैं तुम्हें कराऊंगी, पर पहले तुम ये फॉर्मूलाज लर्न कर, ये याद करोगे तो और आगे जो फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी वो याद कर पाओगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये रोज बैठ के ये लर्न कर लो, और रोज बैठ के इन फॉर्मूलाज को लिखो, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो अपने इसमें से कॉपी करके, तो फिर राइट हैंड साइड जो है कॉपी बंद करके लिखो, राइट हैंड साइड लिख लो तो कॉपी बंद करके लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे करके रोज प्रैक्टिस करो 2-3 दिन, तो ये याद हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास तक यू विल बी रेडी, ठीक है। तो ये लर्निंग तुमने करनी है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जब क्लास का, जब जाने का टाइम हो तो मुझे बता देना। अच्छा अच्छा दूसरा चीज, खाना खा लिया बेटा सिद्धार्थ? तो दूसरी चीज जो है वो तुम्हें जो आनी चाहिए इसमें, मैं पिछली बार भी तुमसे बात कर रही थी अलाइड एंगल्स की, कि जैसे हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा होता है तो ये किसके इक्वल होता है, जब 90 होता है तो साइन किस में चेंज हो जाता है, क्या बताया था मैंने, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, ठीक है, तो दिस इक्वल टू कॉस, और 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट फर्स्ट, इसके बिना हमारा कैलकुलस हो नहीं सकता बेटे, ये सारी चीजें तो बेसिक्स है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, इसके बिना पढ़ाना बेकार है, हर जगह बार बार यूज होंगी, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये कॉस, ये तो तुमने 10th में भी पढ़ा हुआ है, कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन साइन थीटा, ठीक है, और टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट कॉट थीटा, फिर sec 90 माइनस थीटा cosec cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा
एक्स थीटा, ठीक है, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टैन थीटा। तो मोटा मोटा रूल ये होता है कि जब हमारे पास 90 प्लस माइनस थीटा हो या 3π/2 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन का जो है वो कॉस हो जाता है और कॉस का जो है वो साइन हो जाता है, ठीक है, टैन का जो है वो कॉट हो जाता है और कॉट का टैन हो जाता है। इसी तरह से सेक जो है वो कोसेकेंट में चला जाता है और कॉसेक जो है वो सेक में चला जाता है, ठीक है। जब भी ये एंगल होगा ये तुम्हारा चेंज आएगा ही आएगा, राइट। लेकिन अगर हमारा पाई प्लस माइनस थीटा हो या 2π प्लस माइनस थीटा हो तो साइन का साइन ही रहना है, कॉस का कॉस ही रहना है, टैन का टैन ही रहना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज नहीं आएगा, सेक का सेक ही रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात में क्या कह रही हूँ? हाँ। तो इसमें कोई चेंज नहीं आना, सिर्फ प्लस माइनस साइन आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हम किस क्वाड्रेंट में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज नहीं आता। जब लेकिन जैसे ही 90 प्लस माइनस होते हैं या 3π/2 प्लस माइनस मतलब 270 प्लस माइनस होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। तो अब जैसे फर्क क्या है कि जैसे मान लो मैं लिखती हूँ साइन 90 प्लस थीटा, तो अब ये 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट 90 माइनस ना, 90 माइनस ना, 90 प्लस प्लस वो सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? टैन सेक, टैन और सेक, सेक कॉट कॉट, हाँ तो रेसिप्रोकल लेना है। और यहाँ पे कॉस और सेक, सेक। तो 90 प्लस अगर हम करते हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। अब 90 है तो साइन का कॉस होगा ही होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब कॉस 90 प्लस थीटा ये क्या बनेगा बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, माइनस साइन, कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव सेकंड, तो माइनस साइन थीटा। इसी तरह से टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा? क्या होगा बताओ? टेन 90 होगा माइनस माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अच्छा सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा? सेक पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नहीं कॉस से तो साइन ही तो होते हैं, बस पॉजिटिव सब तो सारी नेगेटिव होते हैं, तो क्या आएगा? माइनस कॉसेक, और कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा? सेक, सेक थीटा माइनस या प्लस? प्लस प्लस पॉजिटिव, कॉट 90 प्लस थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस टेन, माइनस टेन, ठीक है।
अच्छा यही अगर हमारे पास मान लो साइन 3π/2 प्लस थीटा, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 3π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 3π/2 देखो कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है? टेन सेक, फोर्थ 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 होता है कॉस सेक, कॉस सेक, ठीक है। तो अब बताओ साइन 3π/2 प्लस थीटा इक्वल बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है? नेगेटिव, तो माइनस नेगेटिव। अब साइन चेंजेस टू क्या होगा? कॉस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा कॉस 3π/2 प्लस थीटा, ये क्या बनेगा? साइन पॉजिटिव साइन थीटा, गुड। टैन 3π/2 प्लस थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा, कॉट 3π/2 प्लस थीटा, टैन पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, कॉस sec माइनस टेन sec 3π/2 प्लस थीटा, अच्छा sec cos sec थीटा, अब क्या रह गया? cos sec 3π/2 प्लस थीटा, माइनस sec थीटा। तो ये समझ आ गया? हाँ। कोई डाउट है इसमें तो मुझे बताओ। नहीं, नहीं है तो तुम ऐसे ही एक टेबल बना के मुझे उसके आंसर्स लिख के भेजना, तुम क्या एंगल लोगे? 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो जैसे ये मैंने 3π/2 प्लस थीटा के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का किया है, ऐसे ही तुम 3π/2 माइनस थीटा का लिख के मुझे भेजना, ठीक है। समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ? हाँ। कर लोगे ना? हाँ हाँ हाँ। 3π/2 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। अच्छा ऐसे ही हमारे पास मान लो साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ये थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस आएगा। हाँ। और जब 180 होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करना है, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस साइन। अच्छा वो 90 और 180 और 90 में नहीं करते, दो थे ना, एक तो 180 था, 180 और 360, 180 और 360 में नहीं करते, जिसमें अपॉन 2 आ रहा है 3π/2 π/2। ये अगर इसको देखो तो ये जब वाई एक्सिस पर जो ये एंगल है, देखो ये पाई बाय टू हुआ, ये 3π/2 हुआ नीचे। हाँ हाँ। तो पाई बाय टू और 3π/2 पर चेंज हो रहा है। हाँ। 180 पर चेंज नहीं हो रहा, 0 इज सेम एज 2π, तो 0 और 2π पर सेम रहेगा। 2π जो है इसका मतलब पूरा चक्कर हमने काट लिया, पूरी रोटेशन हो गई। तो जब पूरी रोटेशन हो जाती है तो हम दोबारा 0 पे आ जाते हैं। इतना शुरू में हम 90 पे पहुंचते हैं, फिर 180 पे पहुंचते हैं, फिर 270 घूमते हैं, और फिर जब पूरा चक्कर काट लेता है व्हील हमारा तो वो 360 हो जाता है। तो 360 इज सेम जहाँ पे जीरो होती है, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा? cos 180 प्लस थीटा माइनस cos, tan 180 प्लस थीटा पॉजिटिव tan थीटा को, फिर cot 180 प्लस थीटा cot पॉजिटिव cot थीटा, sec 180 प्लस थीटा
नेगेटिव से और कोसेकेंट 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। इसी तरह से मान लो तुम्हारे पास हो 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा अगर हम करते हैं तो 2 पाई में तो हम वापस जीरो पे पहुंच गए, ठीक है। हाँ। और जब हमने प्लस थीटा किया तो हम कहां पर आ गए, 2 पाई से आगे आ गए ही ऐसे। हाँ। तो कौन सा क्वाड्रेंट पे आ गए हम 2 पाई प्लस थीटा करके, थर्ड में, सेकंड में, 2 पाई तो ये पूरा हो गया, फोर्थ में कंप्लीट हो गया। प्लस थीटा किया तो कहां पे मूव करे, फर्स्ट में, फर्स्ट में, फर्स्ट में, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, ठीक है। 2 पाई प्लस थीटा से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो अब जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तो यहां पे साइन 2 पाई प्लस थीटा हो अगर, तो साइन का तो साइन रहना है 2 पाई पर, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है? नहीं नहीं, फर्स्ट में नहीं होता, कोई भी नहीं होता। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा, साइन, सॉरी, ठीक है। कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस कॉस थीटा। फिर टैन 2 पाई प्लस थीटा क्या बन जाएगा, टैन 2 पाई जो है एक तरह से जीरो के बराबर हो जाता है। तो अगर हम बीच में से 2 पाई हटा दें तो वही थीटा थीटा आ रहा है ना, देखो। हाँ हाँ, कॉट 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 2 पाई प्लस थीटा, और कोसेकेंट 2 पाई प्लस थीटा कोसेकेंट थीटा, ठीक है। तो जब भी मैथ्स में तुम्हारे पास 360 प्लस होगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास हो साइन 360 प्लस 30, तो 360 प्लस थीटा मतलब 360 तो जीरो के बराबर हो गया, तो ये कितना हो गया, साइन 30 डिग्री। और इसकी वैल्यू क्या हो गई, आ गया। मान लो तुम्हें करना हो साइन 420 डिग्री, तो तुम इसको 360 में ब्रेक कर सकते हो, तो क्या बनेगा, साइन 360 प्लस, हाँ, साइन 420 डिग्री है मान लो, हाँ, तो तुमने इसको ब्रेक किया तो साइन 360 प्लस कितना बनेगा, 160 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 60, तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये कितना हो गया, साइन ऑफ वन, साइन ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, अच्छा टेबल में, हाँ टेबल में, टेबल से तो आती है वैल्यूज। अब ये रटोगे नहीं तो मैथ्स तो आएगी, रूट थ्री बाय टू, ठीक है ना। तो ऐसे हम 360 की हेल्प से जो एंगल्स 360 से ज्यादा होते हैं उसका निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये जैसे मैंने 180 प्लस किया है, ऐसे ही तुम 180 माइनस का करोगे और 2 पाई माइनस का करो, ठीक है। इन दोनों का भी तुम मुझे लिख के भेजना। तो तुम्हारे होमवर्क में एक तो 180 माइनस है, एक 2 पाई माइनस है, और एक 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। समझ में आ गया, ये मैं इकट्ठा लिख देती हूँ। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक का तुम मुझे लिख के भेजना, राइट। ये समझ आ गया, इतना समझ में आ गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये इसको तुम लिखोगे अपने आप तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस चीज के।
दूसरा अगर हमारे पास साइन माइनस थीटा हो तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. माइनस थीटा जो होता है वो जब हम जीरो डिग्री से नीचे जाते हैं तो माइनस बनता है ना. माइनस कैसे बनता है, जब हम जीरो से नीचे डायरेक्शन में जाएंगे तो जब हम ऊपर जाते हैं तो 90 पे जाते हैं, पर हम जीरो से अगर इधर जाते हैं तो ये माइनस थीटा हो जाता है. ऐसे ये माइनस थीटा हो, तो माइनस थीटा का मतलब हम कौन सा क्वाड्रेंट में ट्रीट करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, तो अब साइन और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा. इसी तरह से कॉस और माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के. क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है. ठीक है, और टेन और माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस टेन थीटा के. हाँ, ये लर्न कर लेना. लेकिन अगर तुम्हारे पास sec को माइनस थीटा होगा तो वो क्या आएगा, sec थीटा. sec तो सिर्फ ये cos और sec ऐसे हैं जिसमें माइनस होने से फर्क नहीं पड़ता. cos और माइनस थीटा cos थीटा, sec और माइनस थीटा sec. बाकी cosec और cot में भी माइनस नेगेटिव आता है. हाँ, बाहर आएगा क्योंकि नेगेटिव है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में. cosecant माइनस थीटा इज माइनस cosecant थीटा, और cot और माइनस थीटा इज माइनस cot. तो अगर तुम्हें कहीं पर दे रखा है cos ऑफ 30 माइनस 30 डिग्री तो तुम्हारा आंसर हो जाता है माइनस cos 30, सॉरी प्लस cos 30. cos ऑफ माइनस 30 इज प्लस cos 30, क्योंकि cos और माइनस थीटा इज cos थीटा, और cos 30 डिग्री क्या हो जाता है, हाँ नहीं, cos 30 डिग्री तुम बताओ क्या होता है, cos 30 डिग्री किसके इक्वल है, root 3 by. लेकिन अगर हमारे पास यही cot और माइनस 30 डिग्री होता तो क्या बनेगा आंसर, माइनस root 3 by माइनस cot 30 डिग्री. अब cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3. तो ये आंसर हो, समझ में आ गया. नेगेटिव एंगल्स होते हैं तो कैसे करना है. तो कोई भी नेगेटिव हो तो देखोगे कि ये जो चार हैं साइन टैन और उनके रेसिप्रोकल, उसमें तो बाहर आएगा नेगेटिव साइन, और cos और sec में जो है वो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है अगर ब्रैकेट के अंदर. ये सारे एलाइड एंगल हमें हेल्प करते हैं. जैसे मान लो मुझे निकालना हो साइन ऑफ 150 डिग्री, तो मैं क्या करूंगी, हम क्या करते हैं 180 या 360 की हेल्प से एंगल को ब्रेक करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा लफड़ा कम पड़ता है ना. 180 और 360 में खाली हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखना है, तो हम इसको लिख देते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री. तो साइन 180 माइनस थीटा कितना हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट है, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट हुआ. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव. पॉजिटिव तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन 30. ठीक है ना, साइन पॉजिटिव साइन 30 डिग्री, तो आंसर हो गया. ठीक है, इसी तरह से मान लो तुम्हारे पास कॉस ऑफ 210 डिग्री, इसको ब्रेक करो, कॉस ऑफ या तो 180 की हेल्प से ब्रेक करते हैं या 360 की जो नियर हो. 360 के नियर नहीं है. हाँ, 180 के नियर है. तो क्या आएगा, 180 प्लस 30. 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ,
180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है. थर्ड क्वाड्रेंट हुआ. तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव. क्या आएगा? माइनस. माइनस 30. माइनस कॉस 30. 30 हाँ कॉस. क्या आंसर आ गया? माइनस रूट 3/2. यानी आ गया. कैसे करना होता है? हाँ हाँ मान लो तुम्हारे पास हो टेन बी 30 डिग्री. ब्रेक करो. थर्टी डिग्री ब्रेक करो. तो 360 माइनस 330 माइनस 30 तो वो हो जाएगा 10. क्वाड्रेंट सबसे पहले क्वाड्रेंट सोचो. थर्ड फोर्थ में 10 क्या है? नेगेटिव. तो माइनस 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 10/30. ठीक है ना. तो ऐसे 360 या 180 की हेल्प से हम क्वेश्चन करते हैं. तो माइनस 10 30 डिग्री कितना हुआ? माइनस 1/2. तो ये मान लो कोई बच्चा जो है उसको 360 ध्यान नहीं रहता, वो लिख देता है इसको tan 330 डिग्री को. मान लो उसने लिख दिया tan 180 प्लस. ठीक है. तो अगर वो 180 से कर लेता है तो ऐसा कोई गुनाह नहीं है. 180 प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 0 150 आ जाएगा. ठीक है. तो अब tan 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? 180 प्लस थीटा सेकेंड में काउंट होगा ना. जब भी 180 प्लस होगा इसकी वैल्यू नहीं देखनी है तुमने. 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है. थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हम. तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन जो है वो क्या है? टैन नेगेटिव. पॉजिटिव. तो टैन कितना आ जाएगा? टैन पॉजिटिव टैन 150. ठीक है. अब क्योंकि बच्चे ने ठीक ब्रेकअप नहीं किया तो उसको अब दोबारा ब्रेकअप करना पड़ेगा इसका आंसर निकालने के लिए. अगर 360 से करता तो एक ही स्टेप में हो जाता, बट अगर बच्चे ने 180 प्लस से करने की कोशिश कर रहा है तो उसको फिर से इसको ब्रेक करना पड़ेगा 150 को. तो अब ब्रेक करो 150 को. दो बार करना पड़ गया ना. अब 180 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 180 माइनस 30 सेकंड. माइनस 10 30 डिग्री तो माइनस 1/2. आंसर तो वही आएगा पर हमारा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन अगर हम राइट ब्रेकअप से स्टार्ट नहीं करते. पर क्वेश्चन हो जाएगा. मार्क्स तो मिलेंगे. हाँ तो ये देखोगे कि एंगल जो है वो 360 के पास है तो 360 यूज करो, 180 के पास है तो 180 यूज करो. 90 और ये जो है ये हमें याद पूरे करने हैं. आने हमें ये भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है तुम्हारे सामने. तो क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है फिर हम उसी फॉर्म. जैसे तुम्हारे पास वो साइन 5π/2. अब 5π/2 को हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा. अब ब्रेकअप कैसे करेंगे इसको? जैसे मैंने बताया था 5π/2 जो है वो किससे बड़ा है? 5π/2 टू पॉइंट कुछ होता है. पॉइंट कुछ होता है तो ये 2π+ बनेगा. समझ में आई?
टू पाई प्लस. अगर मान लो थ्री पाई बाय टू होता तो टू पाई माइनस हो जाता. तो हमें देखना है कि हमारा टू पाई से ऊपर है नीचे है क्या है. तो साइन टू पाई प्लस कितना बना यहाँ पर, कितना बचेगा, पाई बाय टू को टू से टू पाई प्लस पाई बाय, नीचे तो टू ही चाहिए ना हमें, टू पाई प्लस पाई बाय टू जो नॉर्मल डिवीजन होती है पाई बाय टू की, टू क्वोशेंट और वन रिमाइंडर है ना. ये थोड़ा सा अपने मेंटली इसको सीख लो ना. जैसे तुम्हारे पास हो मान लो 15 बाय 4, तो 15 बाय 4 में क्वोशेंट कितना होता है, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट कितना आएगा, 4 3 द 12 3 प्लस रिमाइंडर कितना आएगा, वो भी 3 थ्री प्लस थ्री बाय. अगर यही मान लो 17 बाय 4 तो क्या क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, क्वेश्चन तो 4 प्लस 1 बाय और 4 आएगा है ना. अगर हमारे पास इसके साथ पाई है तो पाई लग जाएगा इनके साथ, समझ में आया ना. अगर मान लो ये होता, अगर मान लो ये होता 17 बाय 4 पाई, तो अगर यहाँ पर पाई है तो ये 4 पाई होगा और ये पाई बाय 4 हो जाए. बस इतना तो बात है, करना वही मैथ्स है जो तुम पहले बचपन में करते हो, डिवाइड करके कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में वही जो नीचे है, तो ये बन गया 2 पाई प्लस पाई बाय 2. अब 2 पाई तो एक तरह से वही 0 के बराबर हो जाता है, मैंने बताया तुम्हें एज इट इज. क्या आ जाएगा इसका आंसर, साइन ऑफ, साइन ऑफ पाई बाय 2. तो ये क्या हो गया, साइन पाई बाय 2 क्या होता है, साइन 90 इज, हाँ मैम, साइन 90 1. ठीक है, तो जहां पे भी तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन आए तुम उसको उस हिसाब से ब्रेक करके कर. साइन 17 पाई बाय 4 तो ये क्या आएगा, साइन ऑफ 4 पाई प्लस पाई बाय 4. तो जो जब भी पाई का इवन मल्टीपल है, जैसे 2 है 4 है 6 है, जब भी ये आएगा ये जो है ये 0 के बराबर हो जाएगा. अगर हम पूरा चक्कर काट लेते हैं 360 डिग्री, तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट किए और ये 360 डिग्री पर हम वापस यहीं आ जाते हैं, ठीक है ना. अगर हम दो चक्कर काटते हैं तो भी दोबारा घूम के फिर से हम वापस यहीं पे ही आ जाएंगे इसी जगह पे. तो अगर हम पूरे पूरे चक्कर काटते हैं तो ये 4 पाई जो है 2 चक्कर के बराबर है, तो 2 चक्कर काट के हम वापस आ गए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन पाई बाय 4. समझ में आई मेरी बात. तो जब भी पूरा चक्कर काटोगे वापस 0 पे पहुंच जाओ, तो जो रिमेनिंग है वो तुम्हारा आंसर बन जाएगा, तो साइन पाई बाय 4. अगर मान लो ये हो 10, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए फिर से, वहां पे सारे पॉजिटिव होते हैं, 10 17 पाई बाय 4 हो तो ये भी 10 पाई बाय 4 बन जाएगा इसी तरह से ऊपर वाले जैसे बन. तो ये यहाँ पे साइन पाई बाय 4 आंसर आ जाएगा. यहाँ 10 पाई बाय 4 क्या होता है, 10 पाई बाय 4 कितना होता है, 10 पाई बाय 4 ठीक है. तो ये आज थोड़ा सा ये जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने कराई है इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है सिद्धार्थ. और ये एग्जाम्पल 9 मिसलेनियस का, इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें आने चाहिए, तो अब ये थोड़ा तुम्हें ज्यादा समझ आएंगे अलाइड एंगल पढ़ने के बाद. तो एग्जाम्पल 9 है या जैसे 16 17 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के मैंने बताए थे, तो ये सारे तुम करोगे तो तुम्हें अब थोड़ा सा समझ में ज्यादा आएगा. पर आज बैठ के तुम ये अलाइड एंगल की प्रैक्टिस कर लेना,
तुम्हारे पास 11th की एनसीईआरटी है? हाँ है तो है ना, तो 11th की एनसीईआरटी में जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है वहां पे मैं तुम्हें बता देती हूँ थोड़े से क्वेश्चन। 12th में ट्रिग्नोमेट्री के बिना काम चलता नहीं है बेटे, तो ये बेसिक बेसिक चीजें तो मैं आनी चाहिए। तो एक तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, एक ये ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज में जो है एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है? हाँ मैम। 11th क्लास क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये वाले क्वेश्चन तुम कर लेना, और इसका एग्जांपल 8 है। जैसे ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वैल्यूज निकालने के, जैसे मैं ऊपर निकलवा रही हूँ ना उस तरह से, तो ये थोड़ी से तुम करोगे तो हमें ये समझ आएगा कि तुम्हें कौन सी बात समझ में आई और कौन सी बात नहीं समझ में आई। ठीक है, ये मत सोचना कि 11th का कुछ नहीं होता। अब जब हम 12th में आ गए हैं तो जो हमारी पुरानी कमी है वो हमें पूरी करनी ही करनी है। नहीं करेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल पड़ेगी हमें आज, क्योंकि आगे का पढ़ने से तो फिर वहां पे गलतियां करते रहोगे, ये आता ही नहीं होगा। तुम्हें समझ तो आ जाएगा आगे का, पर ये वाली गलतियां होंगी तो नंबर तो नहीं मिलेंगे ना। गलती तो गलती है चाहे कोई भी हो पेपर में, चाहे वो 12th को लेके हो या उसको लेके हो। तो ये वैल्यूज निकालने वाले जो क्वेश्चन है ये मैं लिख रही हूँ, इनकी फिर तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तुम इतना ही कर लेना, बहुत है। तो ये 11th की क्लास का थोड़ा सा कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स को वो करेंगे, क्योंकि इनवर्स करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, आगे कैलकुलस में भी चाहिए। तो अगर तुमने कहीं कुछ नहीं नोट किया हुआ तो वो कर लो।